आपको मिला, सम्मान मिला है, क्यों मिला और इसको क्या पाने के मिला? बाद कैसी महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपने परम गुरुदेव जहाँ जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ उनको बहुत नतमस्तक प्रणाम करता हुआ यह पुरस्कार उनके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। और ये उत्तर प्रदेश अप्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार से जो मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इस बात को समझता हूँ कि विदेशों में जो हमारे भारतीय बंधु हैं, जन समुदाय है, अगर हम सब लोग उनको अपनी भारतीय धर्म संस्कृति और परंपरा से जोड़ करके रखने का कुछ प्रयास कर सकें तो सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि विदेश के लिए भी, विदेशों में भी भारत का गौरव बढ़ाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान बन जाता है। उसके लिए मैं सामाजिक धार्मिक दृष्टि से उन सब लोगों को जोड़ करके रखने का प्रयास करता हूँ और ये संस्कार, ये शिक्षा मुझे जहाँ इस स्थान पर महावीर भवन पर मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से प्राप्त हुआ है परम गुरुदेव के माध्यम से, माननीय परम श्रद्धेय श्री अशोक सिंह जी के माध्यम से और ऐसे ही वरिष्ठ जनों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और ये पुरस्कार निश्चित रूप से सम्माननीय है लेकिन पुरस्कार को प्राप्त करके अभिमान का भाव जागृत हो या तो सवाल ही नहीं उठता है, परंतु इतना जरूर है कि ये मेरे लिए और उत्साहवर्धक है जिससे कि मैं और अधिक तल्लीनता के साथ, प्रसन्नता और खुशी के साथ अपनी संपूर्ण ऊर्जा शक्ति का प्रयोग करते हुए इस कार्य में अपने आप को लगा सकता हूँ और ये मेरी सोच है, मेरा सौभाग्य है। परिचय दीजिए। मुझे इस फिर से महावीर भवन की बात आती है तो विद्यार्थी जी के रूप में संघ और परिवार में मुझे जाना जाता है। मेरा वास्तविक नाम कृष्ण कुमार पांडे, प्रतापगढ़ में एक जिठवारा जगह है, स्थान है, वहाँ का मैं मूल रूप से निवासी हूँ। आज कैलिफोर्निया में बे एरिया सैन फ्रांसिस्को में मेरा पूर्ण रूप से स्थायी निवास हो चुका है। पूरे परिवार के साथ मैं वहाँ पर रह रहा हूँ और वहाँ एक